So, let's start. मुझे आवाज आ रही सो बेसिकली एडजेक्टिव स्टेटमेंट में समझने के लिए आपको चिप्स का खाना समझना होगा. हाउ वी ईट चिप्स, कैसे खाते हैं? लेकिन आप इसका नहीं खाते. सो देयर इज अ कंप्लीट साइकिल व्हिच वी हैव टू परफॉर्म. मैं आपसे कहूँ कि चिप्स का पैकेट है, आप क्या खाना शुरू कर देंगे? नहीं, देयर इज अ फर्स्ट स्टेप. राइट, मैं इसीलिए आई हैव दिस पैकेट, छोटा है लेकिन एनीबॉडी कैन टेक इट. ठीक है, बोलो. सो आई हैव अनदर वन बाय. सो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? सो बेसिकली यू आर गोइंग टू ओपन इट. दैट्स बेसिकली योर स्टार्टिंग पॉइंट. That's your starting point. You cannot start directly eating chips. So you are going to have a starting point. Or then, आप क्या करेंगे? You will go. आप cycle perform करना शुरू करेंगे. आप एक chips उठाकर, फिर उसके बाद एक और chips उठाकर. और ये एक iteration है. जब आपने एक chips उठाकर खाया, this is your one single iteration. And then उसके बाद आपने दूसरा chips उठाकर खाया, that is your second iteration. और आप ये chips उस वक्त तक खाते रहेंगे, तब तक, जब तक खत्म नहीं हो जाते, या जब तक आपकी भूख खत्म नहीं हो जाती. ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास एक इनफाइनाइट बड़ा पैकेट है. ठीक है, यानी कि एक बोरी है. सो क्या आप उस वक्त तक खाते रहेंगे जब खत्म नहीं होते? नहीं, बल्कि आप उस वक्त स्टार्ट कर देंगे जब आप क्या है कि सैर हो जाएंगे और पेट भर के खा लेंगे. देन यू विल स्टॉप ऑल. सो दिस इज बेसिकली आइटरेटिव स्टेटमेंट. व्हाट इज दैट? यू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड यू हैव एन एंडिंग पॉइंट. और आप उस एंडिंग पॉइंट की तरफ यू आर मेकिंग सम प्रोग्रेस. ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 20 चिप्स होते हैं तो आप कितनी बार ये आइटरेटिव स्टेटमेंट्स? 20 दफा. सो यू विल बी रिपीटिंग इट 20 टाइम्स. सो दैट्स बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू डू और अंडरस्टैंड द आइटरेटिव स्टेटमेंट्स. समझ आ गई बात की सबको? सो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स जब इनिशियली हम बात करेंगे तो उसमें हमेशा तीन पार्ट्स होंगे. देयर विल बी व्हाट? स्टार्टिंग पॉइंट. देयर विल बी एन एंडिंग पॉइंट एंड देयर विल बी आइटरेशंस. एंड ईच आइटरेशन यू विल बी मेकिंग अ प्रोग्रेस. आप क्या करेंगे? प्रोग्रेस कर रहे होंगे किसी तरफ. एंडिंग पॉइंट. सो चिप्स के केस में आपका एंडिंग पॉइंट क्या है? बोले जी, जब तक वो खत्म ना हो जाए या आप पेट ना भर जाए आपका. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल बोतल है, बोतल पीते हैं तो यू कैप ऐसे ही उठा के मुंह के साथ लगा लेते हैं. नाइन. सो यू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट ओवर हियर. ठीक है, और अगर वो आधी हो तो आपका टाइम हाफ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. सो और ईच आइटरेशन में आप सिर्फ ये नहीं, मिसाल के तौर पर आप यानी दोनों चीजों में मजे बाई एक्सेप्ट ले सकते हैं. आपके पास एक पैकेट बोतल का भी हो सकता है और साथ एक पैकेट चिप्स को भी हो सकता है साथ, क्योंकि हाँ मॉडल. सो होगा क्या कि आप मल्टीपल सिनेरियोस हो सकते हैं कि आप एक चिप लें और पूरा चिप्स का एक पैकेट खाली करें. ठीक है ना, अब अगर आप उस पर्सपेक्टिव में देखें, बोतल के पर्सपेक्टिव में देखें, तो आप एक हाइड्रेशन के अंदर पूरे का पूरा एक चिप्स का पैकेट खा रहे हैं, जो कि बताते हैं खुद एक सेट ऑफ क्या है, हाइड्रेशन है. अगर आप अपनी जिंदगी का मुताला करें तो अवर लाइफ इज ऑल्सो अ सेट ऑफ हाइड्रेशन. जिस दिन से आप पैदा हुए जब तक आप इस दुनिया से रुखसत नहीं हो जाते, उस दिन तक आप रोजाना की बुनियाद पे एक काम कर रहे होंगे. इनफैक्ट तीन बेसिक काम कर रहे होंगे, खा पी सो रहे हैं. सो यू आर कॉन्टिन्यूसली गोइंग थ्रू दिस लूप. समझ आ गई बात की? सो आप रोजाना की बुनियाद पे हाइड्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना. एंड यू विल कीप ऑन रिपीटिंग टिल यू आर डेड. सो दिस इज अ क्वाइट रियल लाइफ एग्जाम्पल. ठीक है, और इस हाइड्रेशन के अंदर और बहुत सारे आइटरेटिव काम आप कर रहे होते हैं. मिसाल के तौर पर आप रोजाना की बुनियाद पे 8:30 बजे साढ़े आठ बजे क्लास, 9:30 बजे स्टार्ट होती है. 9:30 क्या है? आपका स्टार्टिंग पॉइंट है किसका? इस क्लास का. और इस क्लास का एंडिंग पॉइंट क्या है? 9:30. तो जैसे ही 8:30 बजते हैं तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्लास लेने वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है. आप उस वक्त तक सुनते रहते हैं जब तक क्लास खत्म नहीं होती, या जब तक मैं क्या करता हूँ, बोलता रहता हूँ. ऐसे ही है. सो दैट्स बेसिकली एन अदर लूप. समझ आई बात की सबको? सो अवर लाइफ इज कंटिन्यूस इन सेट ऑफ लूप्स और साइकल्स. और दैट्स व्हाट आइटरेटिव स्टेटमेंट्स आर. और इसको अगर आप इस तरह समझना चाहते हैं, एक और तरीका भी है कि लेट्स सपोज यू आर अ रोबोट.
ठीक है, और आपको मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ से फैसल मॉस्क जाना, यहाँ से कहाँ जाना, फैसल मॉस्क, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फास्ट, रोबोट है और रोबोट सिर्फ चल के जाएगा, एंड पॉइंट क्या होगा, फैसल मॉस्क, और हर एड्रेस में मैं क्या करूँगा, जी चलेगा, वो एक एक स्टेप उठाएगा, वो क्या उठाएगा, एक एक स्टेप उठाएगा, किस तरफ, कराची की तरफ, क्या फैसल मॉस्क, यस वो फैसल मॉस्क, अगर वो कराची की तरफ स्टेप उठाना शुरू कर दे तो यू विल नेवर रीच, समझ आ गई बात की। सो तमाम बातों का खुलासा ये है कि आपके पास यू विल हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, यू विल हैव अ एंडिंग पॉइंट, देयर विल बी आइट्रेशन गोइंग ऑन, एंड ईच आइट्रेशन यू विल मेकिंग अ प्रोग्रेस, आप क्या करेंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे किस तरफ, टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन और योर एंडिंग पॉइंट, बात समझ आ गई सबको, क्लियर। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, इसके बड़े नाम है, इनको हम आइटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, हम इनको रेपिटेटिव स्टेटमेंट भी, ठीक है, और या हम इनको लूप्स भी कहते हैं, ठीक है। मींस देयर इज अ वेरी फेमस फिनोमेना ऑफ टाइम लूप्स, टाइम लूप्स देखे रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिल्म्स के अंदर बहुत दफा टाइम लूप्स, सो इट्स कीप ऑन रिपीटिंग द सेम साइकिल, वो मर जाएगा दोबारा जिंदा होगा, मर जाएगा दोबारा जिंदा होगा, लेट्स कीप ऑन, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा करने की कोशिश ना कीजिएगा, सो दैट्स बेसिकली दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन, कीप ऑन रिपीटिंग, समझ आ गई आपकी, लूप से करना, सो वी विल कॉल इट आइटरेटिव स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं कि इन ईच और फिर आप जब भी आपको प्रॉब्लम दी जाए यू विल हैव टू फर्स्ट एनालाइज इट यूजिंग फ्लो चार्ट इनिशियली एंड देन यू विल हैव टू कोड इट, ठीक है। और तीन पार्ट्स, तीन चीजें हमेशा रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स का यूजुअली क्रक्स होंगी, यू विल हैव सम स्टार्टिंग पॉइंट, यू विल हैव सम एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट मींस यू विल हैव सम कंडीशन ऑन व्हिच यू विल बी वर्किंग एंड देन देयर विल बी सम प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैट एंडिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने आई हैव स्टार्टिंग पॉइंट 1 और मेरा एंडिंग पॉइंट लेट्स सपोज 10, मैंने 1 से 10 पे आना रियल लाइफ, तो मेरी प्रोग्रेस क्या हो, तो मैं एक एक का स्टेप ले सकता हूँ, दो दो का स्टेप ले सकता हूँ, लेकिन स्टेप मैं डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ले लूंगा, 10 की डायरेक्शन में, सो दैट्स बेसिकली माय प्रोग्रेस, इट कैन बी 1, 2, 3 एनी टाइम आई कैन डिसाइड, और देन मैं हर आइटरेशन में मैं एक स्टेप लूंगा, आई विल फॉल, लेट्स सपोज मैं अगर एक का स्टेप लेता हूँ तो आई विल फॉल एट 2, फिर मैं एक और स्टेप लूंगा, आई विल फॉल एट 3, सो मैं एक स्टेप लेता रहूंगा, और ये जो एक स्टेप आई टेकिंग दिस इज बेसिकली माय सिंगल आइटरेशन, This is my single iteration. ये मेरी एक iteration या एक cycle है, और इस किस्म में 10 cycle मैं लूँगा तो I will hit my end point. और जब मैं end point को hit कर दूँगा, I will stop. That's your repetitive statements. ठीक है? और flowchart की मदद से मैं आपको explain करने जा रहा हूँ कि how we are going to state in the form of flowchart. ठीक है? इसे कुछ सवाल आपके पास जो दूसरी चीज है वो क्या होगी, योर कंडीशन होगी, वो कंडीशन ये चेक करेगी कि आप एंडिंग पॉइंट पे तो नहीं गए या आप एंडिंग पॉइंट से अभी स्टिल अवे हैं, अगर आप स्टिल अवे हैं योर एंडिंग पॉइंट, सो यू विल कीप ऑन डूइंग व्हाट योर रेपिटेटिव टास्क, सो देयर विल बी अ कंडीशन, देयर विल बी अ कंडीशन व्हिच विल बी इंश्योरिंग कि व्हेदर यू आर अवे फ्रॉम योर, इफ यू आर अवे फ्रॉम योर एंड पॉइंट यू विल कीप ऑन रिपीटिंग दैट टास्क, यानी कि आप अगर आप उस एंड पॉइंट से दूर हैं तो आप वो काम करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप एंड पॉइंट को टच करेंगे आप स्टार्टिंग पॉइंट के बाद फौरन आपकी कंडीशन चेक करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा मेरा गोल यहाँ से फैसल मस्जिद जाना है, और अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट फैसल मस्जिद हो तो क्या मुझे कुछ रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म करने की जरूरत है, नहीं, तो स्टार्टिंग पॉइंट के फौरन बाद यू विल फॉल इन दिस साइकिल। सबसे पहले आपके पास एक कंडीशन आएगी, कंडीशन क्या है,
Okay, initially we will check kill away from endpoint. क्या आप अपने एंड पॉइंट से स्टिल दूर है तो कंडीशन क्या हो सकती है या या ट्रू या फॉल्स. अगर ये फॉल्स हुई तो यू विल सिंपली कंटिन्यू विद योर नॉर्मल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. अगर ये फॉल्स हुई तो आप नॉर्मल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स से कंटिन्यू करेंगे जो कि इसके बाद है. लेकिन अगर ये ट्रू हुई, अगर आप स्टिल अवे हैं तो यू विल डू सम टास्क, रिपीटेड टास्क. आप वो टास्क परफॉर्म करेंगे, कुछ और टास्क परफॉर्म करेंगे और कुछ प्रोग्रेस करेंगे. प्रोग्रेस किस तरफ करेंगे? एंड पॉइंट की तरफ. एंड यू विल वंस अगेन हिट एट दिस कंडीशन और आप इस कंडीशन को दोबारा क्या करेंगे, चेक करेंगे. सो हर साइकिल के अंदर, दिस इज योर साइकिल, दिस इज योर साइकिल. तो हर साइकिल के अंदर क्या है, यू विल हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से फिर एक दफा आप क्रिएट करेंगे, एक दफा एग्जीक्यूट करेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट मैं एक दफा ही यहां से स्टार्ट करूंगा ना. और फिर मैं हर स्टेप, अगर मैंने फैसल मैसेज जाना है तो हर आइटरेशन में क्या है कि मैं चलता जाऊंगा और चलने जाने के साथ साथ हो सकता है मैं कुछ और काम भी कर रहा हूँ. लेट्स सपोज हो सकता है मैं कुछ खा रहा हूँ, चिप्स खा रहा हूँ, लेट्स सपोज बट ठीक है. सो हो सकता है आई एम वॉकिंग एंड आई एम ईटिंग चिप्स. तो हर आइटरेशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ चिप्स खा रहा हूँ और साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्रेस कर रहा हूँ. प्रोग्रेस में किस तरफ कर रहा हूँ, अपने एंड पॉइंट की तरफ कर रहा हूँ. बात समझ आ रही है सबको? सो यू कैन हैव दीस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. सो ये यानी कि ये प्रोग्रेस इस लूप के साइकिल का पार्ट होना चाहिए. प्रोग्रेस यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी इन स्टेटमेंट्स का प्रोग्रेस पार्ट होना चाहिए आपकी इस रिपीटेटिव साइकिल का. अगर प्रोग्रेस पार्ट नहीं है इस रिपीटेटिव साइकिल का, देन यू विल हैव व्हाट वी कॉल एन इनफाइनाइट लूप. क्या कहेंगे? इनफाइनाइट लूप कहेंगे, जो कि हमेशा चलता रहेगा. हमेशा का मतलब यह है कि जब तक आप अपना लोड शेडिंग नहीं होती या आप अपना कंप्यूटर बंद नहीं करते, ठीक है, या आपकी बैटरी ऑफकोर्स. So that's how it's going to keep on working. समझ आ गई बात सबको? क्या नहीं समझा? Progress. Progress का मतलब ये है कि मैं let's suppose मैंने कहा मैंने फैसल मस्जिद आना और फैसल मस्जिद में कैसे जाऊँगा, पैदल चल के जाऊँगा, ठीक है. अब मैं चलना शुरू कर दिया, मैं इधर अपनी जगह खड़े होकर चल रहा हूँ. जी हर स्टेप के बाद आपने उसकी तरफ प्रोग्रेस कर दी. मैंने चलना शुरू कर दिया, मेरा गोल क्या था, फैसल मस्जिद. लेकिन मैं यहीं खड़े होकर चलता रहा, दो घंटे चलता रहा. मैंने आपसे पूछा, हाँ भाई तुमने कहा दो घंटे चलो फैसल मस्जिद पहुँच गया, मैं फैसल मस्जिद पहुँचूंगा. प्रोग्रेस विल बी पार्ट ऑफ योर आइटरेटिव साइकिल. क्लियर है ये बात सबको? ये बात सबको समझ आ गई? सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट टू आवर प्रॉब्लम. प्रॉब्लम मैंने आपसे कहा था, मैंने एक से लेकर दस तक, let's suppose our first problem is कि मैंने एक से लेके दस तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो कैसे प्रिंट करूंगा? So एक तरीका आप वाला हो सकता है कि प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट थ्री, प्रिंट फोर, ठीक है. कभी राहत वाला वो देखा क्या, बैल, राहत वाला बैल देखा? या डी एम की बैल होता है, डोंकी देखा कभी? सो वो क्या करता रहता है, वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है. सो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप प्रिंट वन, प्रिंट टू, प्रिंट थ्री, प्रिंट फोर, आपने दस तक मैं बड़ा खुश हुआ, फिर मैं कहता चले हजार तक प्रिंट कराओ. अगर मैं कोई बदला ले रहा हूँ आपसे, तो यू विल कीप ऑन राइटिंग प्रिंट वन. सो सर हो गया, देन मैं अगर आप और तंग करना चाहते हैं, बट दैट्स नॉट वी आर गोइंग टू डू इट. वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ रिपीटेटिव स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि आप एक काम बार बार कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं. सो रिपीटेटिव स्टेटमेंट हमेशा वहां इस्तेमाल होगी जहां आप रिपीटेटिव सम टास्क परफॉर्म करने जाते हैं, यानी कि आप आइटरेटिवली कोई काम करने जाते हैं. अब मैं कहा आपसे काम, मैंने कहा प्रिंट करना है, क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है. अब नंबर क्या है, एक सीक्वेंस है और आपको पता है सीक्वेंस आप एक रेपिटेशन है. समझ आती है ना बात सबको? सो यू कैन डू इट यूजिंग योर दीज लूप्स. सो अगर मैं आपसे कहता हूँ एक से लेकर दस तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो वी आर गोइंग टू मेक इट यूजिंग रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है. दूसरा तरीका नहीं इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो अब उसमें क्या है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, मैंने कहां से कहां तक जाना है, एक से लेके, सो माय स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 एंड माय एंडिंग पॉइंट इज. सो लेट्स सपोज आई विल पुट इट इन अ वेरिएबल x. वो मैंने एक वेरिएबल दे बुला दिया और उसके अंदर मैंने क्या रख दिया, 1. सो स्टार्टिंग पॉइंट x के अंदर क्या रहा, 1. ओके ना, उसके बाद क्या हुआ है, कंडीशन. जी अब
मैं कैसे चेक करूंगा कि x मेरे एंड पॉइंट से अरे है या नहीं? मैं चेक करना है स्किल लेवल फ्रॉम एंड पॉइंट, ये मैं चेक करना है। तो अवे फ्रॉम एंड पॉइंट मैं कैसे, एंड पॉइंट क्या है? जी तो देयर कैन बी मेनी पेज, आप लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 10, दिस इज वन, जब तक x किसके बराबर नहीं हो, 10 के बराबर नहीं है। क्या आप इसे यू लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 10? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, x इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि x क्या है मेरा स्टार्टिंग, यानी कि मैं आई एम स्टिल अवे फ्रॉम माय एंड पॉइंट। ये बात सबको समझ? मैं 10 भी प्रिंट करा रहा हूं, मैं 10 तक जाना चाहता हूं, 10 से पहले नहीं रुकना चाहता, ठीक है? लेस देन इक्वल को हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आइदर आपको एक्सप्लेन करें। अगर खाली इक्वल को फॉल्स हो जाए, x इज इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगी? आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 1, तो कंडीशन ये कि स्टिल अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट, आप ये चेक भी करनी है एट द एंड पॉइंट, स्टिल अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट। सर इक्वल टू से तो एट द एंड पॉइंट आ गया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जो कंडीशन मैंने लिखा, यू हैव टू चेक वेदर यू आर स्टिल अवे फ्रॉम योर एंड पॉइंट, ठीक है? अगर आप एट द एंड पॉइंट पहुंच जाएंगे तो आपका लूप जो है वो ब्रेक होगा। अगर x is equal to 10, मैं अभी करके दिखा देता हूं, पहले आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस, सो x is less than equal to 10, दिस इज माय गोइंग टू बी कंडीशन। बात समझ आ गई सबको? यस ओके। उसके बाद करना क्या है, टेन तक ब्रेक करना है, सो अब एक होगा फॉल्स, दिस इज वन फॉल्स। फॉल्स के केस में मैं कुछ नहीं करूंगा, कहूंगा ब्रेक फिनिश, और अब अगर ट्रू हो रहा है तो मैंने क्या करना है? जी बोले, मैंने x को क्या कराना है, प्रिंट कराना है, मैंने गिनती प्रिंट करानी है, बोल सबको याद है ना? ओके सो आई एम गोइंग टू डू व्हाट, प्रिंट x, दैट्स इट, और मैं वापस आ गया। करेंट स्टैंड जो मैं मेरे इस फ्लो चार्ट के अंदर प्रोग्रेस नहीं है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? सो इट विल बी एन इनफाइनाइट स्टैंड। क्यों? देखें जरा गौर से देखें, यहां से आएगा x में पहले क्या आएगा, 1 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगी? ट्रू। आई एम स्टिल अवे फ्रॉम माय एंड पॉइंट, तो मैं प्रिंट क्या करूंगा, 1, और फिर मैं और ये उस वक्त तक करता रहेगा जब तक आप इसे फोर्सफुली शट नहीं करें, ठीक है? इसे फोर्सफुली शट डाउन नहीं करें, और ठीक है ऐसे ही है, आपने वैसे ही पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गए, ठीक है? सो यू विल हैव टू, इसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज इनफाइनाइट। शुरू में कुछ दफा आपने इनफाइनाइट लूप के मजे लेने हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट taste it brings, ठीक है? Once you have, यानी वे एक दफा आपको उसका लुत्फ आ गया, then you stop, ठीक है? अगर आप infinite loop के साथ खेलते रहे तो आपको finite loop का जो है ना वो but so how can I convert it from finite infinite to finite? मैं finite to yes, so I will have to, मैं हर iteration में x की value को update करूंगा ताकि मैं approach कर सकूं अपने end point। समझ आ रही बात सबको? और मैं क्या कह रहा हूँ, x is equal to x plus 1। अब ये कहने का क्या, आगे आप पहली दफा x में 1 पढ़ा होगा, 1 is less than equal to 10, प्रिंट क्या करेगा, 1, प्रिंट क्या करेगा, 1, और फिर यहाँ आ जाएगा x is equal to 2। ये स्टेटमेंट राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगी, सबको याद है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटेड थी राइट टू लेफ्ट, सो 1 plus 1 2 होगा, x में 2 आएगा, और फिर यहाँ से वापस आएगा और चेक करेगा 2 is less than equal to 10, कंडीशन क्या है, ट्रू। सो फिर यहां पे प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट क्या करेगा, 2 और 2, और फिर यहां x में क्या हो जाएगा, 3। बात समझ आ गई सबको? एंड इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, कब तक? अब x में 10 पड़ा, x में क्या पड़ा, 10, प्रिंट क्या करेगा, 10 10 plus 1, x में क्या हो जाएगा, 11। यहां से क्या आएगा, यहां पे पॉज, और यहां से दोबारा फिनिश। बात समझ आ गई सबको? सो दैट्स बेसिकली योर फर्स्ट लूप, क्लियर? सो
you have to understand. Acha, ab let's suppose main is x equal to x plus 1 le jaye x minus 1 ab kya ye wo technical It will start from 1, then we are on to 0, minus 1, minus 2. Yes. अब क्या था आपकी रियल लाइन थी आपका गोल उस तरफ था और आप चार किस तरफ से उस तरफ सो दैट्स व्हाट हैपेंस ठीक है सो यू हैव टू समझ आ गई बात की सो आई मीन क्लास करके मुझे याद रखेगा आई विल कोड इट एंड आई विल शो इट के आई विल यस क्वाइट एंजॉयबल सो ये बात आपको समझ आ गई ओके आपका जो लूप हो सकता है ये मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है आपके पास ये जो लूप हो सकता है आप पहले से प्री डिटरमाइंड लूप हो सकता है प्री डिटरमाइंड इन द सेट केस के मिसाल के तौर पे आपको पता होगा कि आपने कितनी आइट्रेशंस परफॉर्म करें अभी मैंने आपसे कहा एक से लेके दस तक क्या करें गिनती प्रिंट कराएं तो आपको पता है कि कितनी आइट्रेशन चल रही है कितनी आइट्रेशन चल रही है जी बोले एक से दस तक अगर गिनती प्रिंट कराएंगे कितनी आइट्रेशन चल रही है दस आइट्रेशन चल रही है लेकिन देयर विल बी द केसेस जब आपको पहले से डिटरमिन नहीं होगा कि लूप कितनी बार चल रहा है वो डिपेंड करेगा किसी खास कंडीशन पे वो क्या डिपेंड करेगा किसी खास कंडीशन पे मिसाल के तौर पे दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ लूप यानी कि आपके वो जो रियल लाइफ में लूप दिखने होंगे आपको उसमें ये भी नजर आएगा ओके लेकिन इसमें जाने से पहले मैं आई वुड लाइक कि आप एक फ्लो चार्ट बनाएं जिसमें आपने एक गिनती प्रिंट करानी है और आपने प्रिंट करानी है 15 से लेकर 5 तक उल्टी 15 से लेके 5 तक उल्टी गिनती प्रिंट करानी है उसका फ्लो चार्ट आई वुड लाइक टू सी नहीं इसको छोड़ दें वो दैट्स समथिंग डिफरेंट inclusive? Yes. क्या होगा जी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वेरिएबल है ना कुछ भी हो सकता है क्योंकि अगर मैंने एक्स लिखा तो आपने याद कर लेना हमेशा एक्स ही आ जाएगा देयर इज नो दिस इज दिस शुड बी एन एक्स सो दिस इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल ठीक है मैंने क्या लिखा 15 दैट्स माय स्टार्टिंग पॉइंट सो What will be the condition? Greater than equal to 5. So I am still away from. So. And less than equal to. यहाँ मैं क्या print करूँ? Greater than equal to. हाँ हाँ मुझे पता है. Print x. और यहाँ मैं क्या आएगा? ओके मैं नाम भी लिखा ठीक है ये लूप कितनी बार चलेगा हाउ मेनी टाइम्स इट विल रन इट विल नॉट रन ये चलेगा ही नहीं इसलिए कि सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी t इज इक्वल टू 15 फिर कौन सी एग्जीक्यूट होगी 15 इज लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स तो आउटपुट आएगी फिनिश्ड बात समझ आ गई सबको क्लियर है
अब इसको मुझे चेंज करने के लिए आई विल हैव टू चेंज इट लाइक ओके नाउ लेट्स बाय कंप्लीट लूप जो मैंने आपसे पूछा था वो करेगा सबसे पहले 15 होगा 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्रिंट क्या करेगा 15 15 में से एक वैल्यू क्या कर लेगा माइनस कर देगा और फिर क्या करना शुरू करेगा इट विल कीप ऑन दिस समझ आ गई बात की सबको सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू डू दिस रिपीटेटिव स्टेटमेंट क्लियर Are you ready? Okay. So, this way once again it was fixed. Aapki number of iteration pehle se kya thi? Fixed. But it is not necessarily ki aapki number of iteration pehle se fixed. Abhi main code likhunga, isme mujhe pata hai ki number of iteration fixed hai. And then, hum number of iteration jo hai, wo kisi khas user ki input pe rakhte hai. Let's suppose, main yahan pe rakh deta hun. नजर आ रहा है रेड पेन सबको नजर आ रहा है आई शुड जस्ट पुट इन माय पॉकेट सो मच थिंक ग्रीन इज ये चीज इक्वल टू 15 इज कनेक्टेड सर आई सी वैल्यू जी किसी बात रहेगा लोग नॉट डिपेंडेंट ऑन आप पहले से डिटरमिन नहीं कर सकते आप पहले से डिटरमिन नहीं कर सकते कि कितनी आइटरेशन Let's suppose x में मैं इनपुट देता हूँ 13. 13. Greater than equal to x. So मैंने इनपुट x में ली 13. Okay. लिखे नहीं. Execute करके देखें. T के अंदर इनपुट आई है. 15 और x के अंदर इनपुट आई है 13 देखें कितनी बार चलेगा so t is what 15 x is equal to what 13 okay ये जी कहेंगे इसकी आउटपुट लिखें इस 40 स्टार ये 15 14 13 नहीं आप 13 नहीं गौर करें आप गलत करें पेपर में आपने ऐसा नहीं ऐसे करना आउटपुट प्रोड्यूस की क्या मेरी पर्सी है एक्सप्लेन दो इनफिनिट लूप रख देगा सर 13 से 13 नहीं होगा 13 प्रिंट हो जाएगा Can you write it down? Sub 13 इसका नाम लूपिंग वेरिएबल भी आप इसे लूपिंग काउंटर भी लाजमी बात है कि सारे ऑपरेशन आप उसके ऊपर बेस करके करें आप और काम भी कर सकते हैं इट्स जस्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग द लूप और उस लूप के अंदर आप हजारों किस्म के और काम भी कर सकते हैं सबको बात समझ आ रही है सो यहां पर क्या हुआ प्रिंट मैं क्या कह रहा हूं 13 और ये लूप कितनी बार चलेगा 3 बार इसलिए टी के में क्या 15 एक्स में क्या 13 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 प्रिंट किया 13 टी में क्या आ गया 14 ठीक है 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 13 दूसरी बार प्रिंट हुआ फिर क्या 13 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 सो इट विल जस्ट डू दिस और उसके बाद इट विल फॉल्स बात समझ आ गई लेट्स सपोज x में मैं इनपुट देता हूं -5 दे सकता हूं मैं यस सर x में इनपुट क्या आ गया -5 कितनी बार चलेगा 20 टाइम्स समझ आ गई बात की सबको सो यू हैव टू अब यानी ये आपको पहले से डिटरमिनेंट नहीं है आप यूजर की इनपुट के ऊपर यानी कि आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है और ये जो कंडीशन है इट कैन बी मिक्स आप तो मैंने पहले कहा था कि कंडीशन के अंदर क्या है कि आप एक से ज्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी रख सकते हैं और उनको लॉजिकल ऑपरेटर से क्या कर सकते हैं आप मिक्स भी कंबाइन भी कर सकते हैं मिसाल के तौर पर मैं ये भी कह सकता हूँ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स समझ आ रही है बात की ये बात समझ आ रही है ना एंड मैं यहां लिख देता हूँ and t is greater than equal to 10.
अब मैक्सिमम ये लूप कितनी बार चलेगा? मैक्सिमम ये लूप कितनी बार चलेगा? पांच दफा। क्यों? दस से नीचे आता जाएगा एंड फॉल्स हो जाएगा और लूप ब्रेक कर जाएगा। सबको बात समझ आ गई? क्लियर है? सो दैट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। यस यस, अगर आप निकल रिवर नहीं बोले कॉल सॉरी टू म्यूजिक सो अगर ग्रेटर होता तो दैट विल बी। ये बात सबको क्लियर है? ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट के एक बार फिर ये एंड वाली बात दोबारा बता। अगर एक्स में लेट सपोज मैं देता हूं 13 तीन बार चलेगा, एक्स में मैं देता हूं 12 चार बार चलेगा, चार बार चलेगा, एक्स में देता हूं 11 पांच बार चलेगा। सबको समझ आ रही है बात की? एक्स में देता हूं 10 छह बार चलेगा। अब x में देता हूं 9, x में देता हूं 9। अब ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, लेकिन जब बेस पे आएगा तो वो क्या होगा? फॉल्स आ जाएगा। तो 10 से नीचे हमेशा ये 6 बार चलेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, इट विल ब्रेक डाउन। ये बात समझ आई? अभी भी नहीं है? ओके, सो दैट्स इट। दैट्स ऑल। आपने अगर x को 10 दिया तो वहां मतलब t ग्रेटर देन इक्वल टू 10 क्या मतलब? आपने कोड वहां पे t t माइनस हो रहा ना, थोड़ी सी तुम्हें थोड़ी सी पहले पीछे वाली चीजें मिटानी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है? सो t इज इक्वल टू t माइनस 1, सो ये पीछे वाला जो है दैट्स दिस वे। ओके, ऑल द क्वेश्चन क्लियर है सबको? ओके, सो नाउ आई हैव दिस। नाउ अब आपसे मैं ये चाहता हूं कि आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू कोड। कोड में से कन्वर्ट करना बहुत आसान है, ठीक है? और पाइथन के अंदर लूप्स आप दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक वाइल लूप कहते हैं और दूसरा हम फॉर लूप कहते हैं। बेसिकली दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज, यानी कि आपको एक लूप आ रहा है दूसरा इज जस्ट एग्जैक्टली सिमिलर। हम जब आगे जाके सी प्लस प्लस देखेंगे तो सी प्लस प्लस में लूप्स आप तीन तरीकों से लिख सकते हैं, लेकिन तीनों तरीकों से सेम ही काम हो रहा होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है उनके, ठीक है? सिवाय एक 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 स्नैरियो ऐसा है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक आइडेंटिकल। अब हम वाइल, और वाइल का सिंटेक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जैसे आपके पास इफ का सिंटेक्स है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई, यानी कि मैंने पहले जो कोड लिखा था 1 से 10 तक मैंने ब्रेक किया था, आई एम गोइंग टू राइट इट्स कोड। सो व्हाई का सिंटेक्स, सो व्हाई का सिंटेक्स क्या है? सो व्हाई का सिंटेक्स, सॉरी मैं व्हाई का सिंटेक्स, सो व्हाई से पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, यानी कि यू विल हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर व्हाई, और फिर आप लिखेंगे while, इससे पहले स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, और while के आगे आप कंडीशन लिखेंगे, जैसे आप if के सामने क्या लिखते थे? कंडीशन, और फिर आगे आएगा कॉलन। समझ आते हैं सबको? सो while ये स्मॉल केस लेटर्स के अंदर कीवर्ड है, ठीक है? इट्स अ बिल्ट इन स्पेस, कंडीशन, आगे क्या आएगा? कॉलन, और उसके बाद आप कम से कम एक स्टेटमेंट नेस्टेड करके लिखेंगे। वो स्टेटमेंट वो होगी जो इस लूप का पार्ट होगी। कम से कम कितनी स्टेटमेंट्स? एक स्टेटमेंट। आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। आप तमाम स्टेटमेंट्स, वो तमाम स्टेटमेंट जो नेस्ट करके लिखेंगे वो सारे के सारे वाइल की क्या होगी? बॉडी का पार्ट होगी, यानी वो तमाम स्टेटमेंट होगी जो हर आइटरेशन में क्या होगी? एवलुएट होगी, एग्जीक्यूट होगी। हाँ, यस। और उसके बाद जब आप लूप्स के बाहर की कंडीशन लिखना चाहते हैं तो आप दोबारा उसी लेवल पे लिखेंगे जिस लेवल में आपने लेट्स सपोज यहां में प्रिंट, लेट्स सपोज आई एम सेइंग, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने यहां प्रिंट लिखना है तो आप दोबारा उसी लेवल पे लिखेंगे जिस लेवल पे आपने व्हाइल, यानी यू विल फॉल बैक वंस अगेन एट द सेम लेवल जहां पे। समझ आ गई सबको? यस सर। एक प्लीज। सो ये आपकी क्या है? ये दिस इज बेसिकली व्हाइल बॉडी, और ये उस वक्त तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी जब तक आपकी कंडीशन क्या है? ट्रू हो। तो आपका साइकिल क्या होगा? आपका कोड यहां से आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगी? कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ये सारी एग्जीक्यूट होगी और दोबारा आप कंडीशन चेक करेंगे, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इट विल फॉल ओवर हियर। बात समझ आ गई सबको? और व्हाइल और इफ में फर्क सिर्फ यह है कि यहां पे क्या आ जाता है? इफ की बजाय व्हाइल आ जाता है। इफ में सिर्फ एक दफा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और व्हाइल में वो स्टेटमेंट उस वक्त तक एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक वो कंडीशन क्या है? ट्रू है। सो दैट्स हाउ सिंपल इट इज। नाउ मैंने एक से दस तक गिनती के लिए क्या किया था? फ्लो चार्ट बनाया था। आई आस्क यू टू राइट द कोड फॉर इट।
1 to 10. कितना मुश्किल है? आपने क्या लिखा? आपने लिखा x is assigned 1. उसके बाद क्या लिखा? y is less than x is less than equal to 10. फिर क्या किया? Print x और यहाँ पे क्या किया? x plus 1. समझ आ रही है बात की सबको? और यहाँ आपने क्या कर लिख दिया? Print finish. By the way, ये print finish मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है. This is your line number 1, this is your line number 2, this is your line number 3, this is your line number 4, and this is line number 5. Clear? So this is your complete syntax. और आप देख रहे हैं कि line number 3 और 4 जो है वो nested है, indented है. क्या है? Sorry, nested नहीं indented है. अब ये वो सारी वो statements हैं जो while की body का था, जो उस वक्त execute होगी जब ये condition क्या होगी, true होगी. तो सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? वन. दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. मैंने आपसे पहले कहा कि व्हाइल केस में आपका स्टार्टिंग पॉइंट व्हाइल लूप से पहले आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होगा. स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होगा. सो एक्स के अंदर क्या होगा? वन. और फिर आपने कहा व्हाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 10. यस सर. कंडीशन क्या है? ट्रू. आप प्रिंट करेंगे एक्स. एक्स में क्या पड़ा? 2. एक्स में क्या पड़ा? 1. और फिर आप एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे. x में क्या करेंगे? इंक्रीमेंट की बात समझ आती है? उसके अंदर 1 ऐड करेंगे. और फिर यहां से आप वापस कहां आएंगे? लाइन नंबर 2. कंडीशन चेक होगी और फिर इट विल एग्जीक्यूट. और ये 10 दफा एग्जीक्यूट होगा और 10वीं दफा यहां पे क्या आएगा? प्रिंट फिनिश. ये बात सबको समझ आती है? ओके. सो अगर यहां मैं लिख लूं प्रिंट फिनिश की बजाय प्रिंट x, x में क्या होगा? जो कहते हैं कि वन पड़ा होगा वो और क्लर्क है. ओके सारे. ओके. जो कहते हैं टेन पड़ा होगा वो आठ क्लर्क. अच्छा टेन पड़ा होगा. ओके. एक्स में जो कहता है अलेवन पड़ा होंगे वो. जी एक्स में अलेवन पड़ा होगा क्योंकि ये कंडीशन उस वक्त ब्रेक होगी जब x 11 होगा. 11 इज लेस देन इक्वल टू 10. कंडीशन ब्रेक होगी एंड देन इट विल प्रिंट इट 11 नंबर. ये बात सबको समझ आ गई? एवरीबॉडी. सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ लिटिल चेंज इन इट जस्ट टू मेक इट अ लिटिल एंजॉयबल. अब मुझे पता है इसकी आउटपुट आपने लिखनी है, बोला नहीं है. सो गो एंड राइट द आउटपुट ऑफ इट. आपसे कहा जाएगा इसे ड्राई रन करो. ड्राई रन का मतलब यह है कि यू एग्जीक्यूट इट ऑन कॉपी पेपर और हर आइटरेशन की आउटपुट. ड्राई रन तो इनिशियली लूप्स को आपको ड्राई रन करके आना चाहिए. ड्राई रन से मतलब यह कि आप मैन्युअली हर आइटरेशन करके देखें और देखें उसका क्या आउटपुट आएगा. अच्छा और आज का आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि आपने घर जाते हैं साथ ही सबसे पहला काम ये करना है कि पाइथन ट्यूटर खोलना सबसे. और जितना मैंने लूप्स कराए हैं और मैंने बहुत सारे एग्जांपल अभी और कराऊंगा, उन सारी एग्जांपल्स को आपने उस पाइथन ट्यूटर के अंदर कोड कर